जवाहरनगर मोरसर रोड अत्यार जवाहरनगर जाता ही यो लागतो है। मोहन भाई आपड़ा गुजराती छे। मोहन भाई केम छो? वीडियो तो हम उतारे के ना भाई परान उतावे ने यार एक तार दे गए माय मान। हमारी ट्रिप की एक और सुहानी सुबह हुई थी पक्षियों के कलरव और सत्संग के मधुर श्लोकों से कोटा के एक आश्रम में। राम राम सभी दोस्तों को। आज ट्रिप का दूसरा दिन और हमारी मॉर्निंग हुई है खूबसूरत से शब्दों के साथ। पीछे सत्संग चल रहा है और आपकी जब सुबह सत्संग के साथ हो यकीनन पूरा दिन अच्छा जाता है। तो हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। और आज दिन टू हमारी राइड का। हम कोटा में थे, 800 किलोमीटर ड्राइव की, उसके बाद यहाँ पर टेंट डाला था। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ और आपको सामान की हालत दिखाता हूँ, उसके बाद बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं खूबसूरत लोकेशन पे। देखिए टेंट की हालत देखिए। प्रेम भाई यहाँ पर लेटे हुए थे, वो अभी गए हैं फ्रेश होने के लिए। और मैं देखिए यहाँ पर हूँ और ये अपनी बाइक शायद वही अरे प्रेम भाई लेके गए हैं। और बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये जो सामान है जल्दी से मैं समेटता हूँ और बाइक में लोड करता हूँ। ये हमारे प्रेम भाई आ गए हैं। प्रेम भाई आ गए, चलो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान बांधो, मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है, मुँह धो के आता हूँ, मतलब गलत मत समझिएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब है थोड़ी, और पीछे सत्संग चल रहा है। मैं जल्दी सामान समेटता हूँ, निकलते हैं बाद में यहाँ से। देखिए यहाँ पर हमने टेंट डाला था। लोकेशन देखिए, टेंट की लोकेशन है। ये हमारा स्लीपिंग बैग वगैरह सब यहीं पर पड़े हुए हैं। अभी हमारी बाइक पे सामान रेडी है, पूरा लगेज ऐसे लोड कर दिया है। वैसे इस बार काफ़ी आसान है लगेज लोड करें। मैं अभी हम कोटा आश्रम से निकलने वाले हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन शायद हम झांसी जाएंगे, उससे पहले दो चार जगह हैं और दिखाएंगे आपको। और पहले लोकेश जी से मिलाते हैं जिन्होंने रात में हमारी यहाँ रुकने की व्यवस्था की, मतलब जगह दी। तो दोस्तों हमारे साथ है लोकेश जी, इनके यहाँ पर हमने रात में स्टे लिया था और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी इनके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला हमें। ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, ऐसा लगा कि पहले कभी ना कभी मुलाकात हुई है हमारी लोकेश जी के साथ। बात करके भी मुझे ऐसा ही कुछ लगा था फ़ोन पे, तभी मेरा मन हुआ यहाँ रुकने का। और लोकेश जी से हमने फ़ोन पे बात की, उन्होंने हमको जगह दिलवाई। यहाँ पर हमने रात में कैंपिंग की थी, अब सुबह के 10 बज रहे हैं और इनका आश्रम है, गौशाला है काफ़ी बढ़िया, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया। हमें रात को मिले थे मोहन भाई। मोहन भाई आपड़ा गुजराती छे। मोहन भाई केम छो? राजकोट थी छे भाई अने पटेल छे भाई पोते, एवो टाइम थे आश्रम में छे। मोहन भाई साथे मड़िया तो एम लागे पाछो गुजरात में छे अने घणी बधी माहिती भाई आपी अमने। लोकेश जी भी साथ में खड़े हुए, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो मोहन भाई अभी निकलेंगे घर के लिए, ठीक है? आपसे जरूर मुलाकात होगी और कच्छ आइएगा तब मोहन भाई। और लोकेश जी आप भी याद कीजिएगा हमें, ठीक है? हमारी की भी मेहमान गति कीजिए आप कच्छ की, वाइट रण दिखाते हैं आपको कभी। हमारी ट्रिप में जब सुबह की चाय अच्छी मिल जाती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और ये चाय तो कुछ गजब ही थी। हमने वहाँ पर लगाया था कहीं टेंट, अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक लोकेशन है रास्ते में, उसको लेके फिर जाएंगे। आज की डेस्टिनेशन है झांसी। झांसी जब हमारी कोटा में एंट्री हुई तब हमने गूगल मैप पे देखी एक शानदार लोकेशन, एक खूबसूरत सी वैली, जिसके बारे में हमें इंटरनेट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोग आश्रम से निकलते ही डायरेक्ट गए उस महादेव के मंदिर और खूबसूरत सी एक नदी की ओर।
बैठे क्यों प्रेम भाई? थोड़ा थोड़ा ये पेड़ देख के ऐसा नहीं लगता हम कच्छ में? जवानगर मोड़सर रोड अच्छा जवानगर जाता ही ये लाग तो है होगी। फिर आपकी पाल्टी टूट गई ऐसे तो मकान देखे छोड़ के चले गए। वाह वाह, यहाँ पर प्रेमी पंखीड़ा बैठे था और देखिए लोकेशन कितनी खूबसूरत, झील देखिए सिर्फ झील। वाह, यहाँ पर नज़दीक ले जाते हैं बाइक का थोड़ा सीन आया ऐसे आगे ले जाते हैं प्रेम भाई। व्यू पॉइंट है यहाँ पर गरडिया महादेव व्यू पॉइंट, पहले महादेव का दर्शन करेंगे क्यों, उसके बाद शायद यहाँ पर फोटोशूट वगैरह ले भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं नज़ारा, ये है नज़ारा कुछ जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और DSLR निकालने का अभी वक्त हो गया। आराम था वे पर आ नतावे नो नहीं यार, एक ताई पाणो वेदो ने एकड़ो वीडियो ताओ उतारे के ना भाई पर आ नतावे ने यार एक प्रेम। तो मैं और प्रेम भाई पहुंच चुके, देखिए लोकेशन देखिए कितनी जोरदार है। कच्ची में जाऊं तो मजा अचीवी नेरी ने अने ता भी लगे तो क्योंकि असा कॉर्नर ते ओ भाई हो ने नीचे खाई है। तो प्रेम भाई आपको दिखाए यहाँ पर है महादेव मंदिर जहाँ पर हम दर्शन करेंगे और इसके बाजू में ये रहे नजारे। दोस्तों लोकेशन एक बार देख लीजिए कितनी खूबसूरत है और ये वीडियो में अब आगे ही निकलेंगे हम हाईवे झांसी की ओर। भोलेनाथ हर हर महादेव महादेव। अरे यहाँ देखो पूछ तो है दाल बाटी है। दाल बाटी होगी हमारे लिए स्पेशल दाल बाटी बना रहे। देखिए आपका भी चैनल क्या नाम है बोली? लीलाधर सुमन के नाम से। लीलाधर? लीलाधर सुमन। लीलाधर सुमन भाई का चैनल चेकआउट जरूर कीजिए। देखिए हमारे स्पेशल दाल बाटी बनाते हैं। Thank you.
दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं शायद 7:30 और मैं और प्रेम भाई अपने घर से 1100 या 1200 किलोमीटर दूर यूपी और एमपी की बॉर्डर के बीच में हैं। अभी यहां से आगे शुरू होता है उत्तर प्रदेश और हम जाने वाले झांसी, जो कि यहां से रह गया है सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर। और यहां पर हम लास्ट एमपी की चाय पी रहे, इसके बाद हम सीधा जाएंगे झांसी। आज सुबह चाय पी थी राजस्थान की, अभी पी रहे एमपी की और रात को पियेंगे यूपी की। तो मिलते हैं आपको झांसी में। राम राम पंडित जी। राम राम। तो यहाँ पर पंडित जी बनाते हुए हमारा खाना आज बना रहे पंडित जी, और वहाँ पर है प्रेम भाई। प्रेम भाई भी काफी थक चुके हो। हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं और करीब करीब 1200 किलोमीटर ड्राइव हो चुके हैं। आज का दूसरा दिन हमारा स्टे होगा झांसी में। हमने आश्रम में उधर स्टे लिया है और यहाँ पर अब हम अपना डिनर करेंगे। डिनर के बाद यहाँ से निकलेंगे आश्रम में, वहाँ भी टेंट लगाएंगे और सुबह का प्लान है यहाँ से लखनऊ से होके अयोध्या। दोस्तों आज का भी स्टे आश्रम में है एक जगह, और मैं अभी टेंट के अंदर हूँ क्योंकि थक गए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा फुटेज नहीं दिखा सकते आपको ज़्यादा फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है और मैं थक भी चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, पार्ट टू हमारा, और मिलते हैं आपको सुबह। हम अभी पहुँचे हैं झांसी। आज की ड्राइव हो गई करीब 400 किलोमीटर और काफ़ी कुछ मज़ा आया, बहुत सारे एडवेंचर हुए रास्ते में। और मैं और प्रेम भाई अभी जा रहे हैं सोने, आपको मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, जय श्री राम। राइट कर दो प्रेम।